हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गरीबों की झोपड़ी की जमीन के पट्टे के लिए चलाए अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जमीन रिजर्व श्रेणी की नहीं है और गैर विवादित नहीं है तो उसे करे संबंधित व्यक्ति के नाम, जिनको आवास मिला है उनको शासन की सभी योजनाओं से करें संतृप्त। आईटेक्स व यूपी डायल 112 के अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय असीम अरुण ने मंगलवार को किया जनपद के यूपी 112 के कार्यालय का निरीक्षण, पुलिस लाइन में किया बैठक, उत्कृष्ट कार्य करने वाले आरक्षियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के 21,562 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त 87 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन किया हस्तांतरण, जनपद के 269 लाभार्थियों को मिला आवास, डीएम ने कहा समाज से वंचित लोगों को सीएम ने दिया उपहार। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने मंगलवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्थित वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं से दिखी असंतुष्ट, जताई नाराजगी, महिलाओं का किया आह्वान, कहा अपनी आवाज को दबाए नहीं बल्कि उठाएं जिससे मिल सके न्याय। सोमवार को रास्ते की पैमाइश के दौरान बेलघाट थाना क्षेत्र के छितौना गांव में दो पक्षों में हुई मारपीट, मारपीट में खुलेआम लहराया गया तमंचा व पिस्टल, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 13 लोगों के खिलाफ मारपीट बलवा हत्या के प्रयास के आरोप में केस किया दर्ज, दो मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुबारक खां शहीद दरगाह स्थित जीडीए की भूमि पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने कराया खाली, एसडीएम सदर ने कहा मुंशी प्रेमचंद पार्क का होगा विस्तार, अतिक्रमण हटाने पर वफ नंबर 151 सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। गोला थाना क्षेत्र के चंद चौराहा स्थित बड़ौदा बैंक के पास नाले में मिला हैंडपंप मिस्त्री का शव, शराब पीकर नाले में गिरने से हुई मौत की जताई जा रही है आशंका, एसपी साउथ ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्थिति होगी स्पष्ट। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, गांवों में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने के दिए निर्देश, कहा सफाई कर्मी अपने दायित्वों का करें निर्वहन नहीं तो होगी कार्रवाई। हर सेवकपुर नंबर 1 में घर में घुसकर चोरी के मामले में दो बालकचारी समेत 4 अभियुक्तों को गुलरिहा थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के पास से 1 लैपटॉप, 1 LCD, 2 मोबाइल और 5,000 रुपए नकद किया बरामद। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई वृक्षारोपण के लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न विभागों की बैठक, कहा अभी से कर ले तैयारियां पूरी जिससे वृक्षारोपण के लक्ष्य को किया जा सके पूरा। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,925, अब तक 340 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 249 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। 48वीं जयंती पर याद किए गए समाज सेवी स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू बाबू, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि, लिया गया उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प। और जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा 79वां रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया रक्तदान, कमेटी के अध्यक्ष ने कहा रक्तदान कर एक व्यक्ति बचा सकता है 4 व्यक्तियों की जान, प्रत्येक व्यक्ति को आना होगा आगे, करना होगा रक्तदान।